हेलो दोस्तों, टिकरीज में आपका स्वागत है। फाइनली रियलमी 17 ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, लेकिन यहां पे सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, पूरी जानकारी यहां पे देने वाला हूं रियलमी C17 के बारे में। हालांकि बहुत पहले ऐसे रूमर्स आया था कि रियलमी C17 इंडिया में लॉन्च होगा, या फिर पहले कौन से कंट्री में या फिर किस जगह पे लॉन्च होगा, तो फाइनली जी हाँ, ये बांग्लादेश में लॉन्च हो चुका है। वहां की प्राइस मतलब जो अगर प्राइस वहां की जो है 15,990 रुपए, अगर हम अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 13,800 में आ रहा है। लेकिन जब इंडिया में लॉन्च होगा वो सबसे बड़ी सस्पेंस है कि कितने रुपए में लॉन्च होगा। लेकिन इसका फीचर से यहाँ पे कुछ ऐसा बयां कर रहा है, मैं बता दूं कि फीचर से आपको पता चल जाएगा कि वाकई में क्या प्राइस यहाँ पे इंडिया में होनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक फोन सिर्फ एक वेरिएंट में देगा, 6GB में, 128GB वेरिएंट में आएगा, और इसके दो रंग में होंगे, एक लेक ग्रीन और नेवी ब्लू में लॉन्च किया जाएगा, हालांकि जो ऑलरेडी पहले से लॉन्च हो चुका है। और अगर मैं बात करूं इसके जो भी फीचर्स के बारे में है, फीचर्स इसके में है एंड्रॉइड 17, आप जानते हैं रियलमी C17 10 पर हर कोई फोन तो चल ही रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं HD के अगर डिस्प्ले के लिए बात करूंगा तो यहाँ पे फुल HD+ 6.5 इंच का HD+ आपको डिस्प्ले दे रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये 60Hz ना करके यहाँ पे 90Hz रिफ्रेश रेट बांग्लादेश में रिलीज किया है। लेकिन मे भी अगर यहाँ पे दो वेरिएंट का लॉन्च करेगा अपने इंडिया में तो एक होगा 60, एक होगा 90। लेकिन फिर भी हालांकि जो बांग्लादेश में लॉन्च हुआ है वो है 90Hz रिफ्रेश रेट का दे रखा है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो और कोरिना ग्लासेस के साथ प्रोटेक्शन के साथ आपको आएगा। और मैं ऑक्टा कोर प्रोसेस यहाँ पे दे रखा है 460 प्रोसेसर का, जो भी ग्राफिक्स के लिए अपने एड्रोन 610 GPU इंटीग्रेटेड का सबसे ज्यादा उसमें चुगलबंदी जो बोलते हैं, 6GB रैम में दिया गया है। अगर मैं फोटो के लिए बात करूं, मतलब कैमरा वीडियो के लिए बात करूं, तो इसमें आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दे रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे 13MP का प्राइमरी कैमरा दिया है, 8MP का सेकेंडरी कैमरा दिया है, फिर 2MP का मैक्रो शूटर और 2MP का ब्लैक एंड व्हाइट सेंसर है। और सेल्फी के लिए आपको फोन में 2.0 का अपर्चर के साथ 8MP का सेंसर दिया गया है, और इसमें होल पंच कटआउट में जगह मिली हुई है। हालांकि ये जो फीचर्स हैं ये है बांग्लादेश के, लेकिन इंडिया में क्या फीचर्स हैं वो समझ में आएगा एक बार रिलीज होने के। हालांकि सेम वेरिएंट में होता है, लेकिन मैं भी अगर वेरिएंट चेंज किया तो थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होगी बहुत ज्यादा, लेकिन 90Hz पे टिके रहना है मेरे दोस्तों बस। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपको बैटरी के लेकर, तो बैटरी यहाँ पे जो दे रखा है 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आपको मिलेगा, और साथ ही में 5000mAh की बैटरी ही होगी। और यहाँ पे रियलमी C17 के बारे अगर मैं बात करूं तो जो इसका एबियंट लाइट सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मैग्नेटिक कंडक्शन आपको सेंसर जो दे रहे हैं, एक्सेलेरोमीटर, रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का फोन भी आपको मिलेगा। हालांकि बहुत कुछ थोड़ा सा रियलमी C17 में अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मतलब ऐसा ऐड करके दे दिया है, लग रहा है कि अलग फीचर जो भी रियलमी जो सी सीरीज थे उसमें कुछ ज़्यादा ही इसमें उठा के दे दिया। मुझे ये लगता है कि जो रियलमी C15 था, C11 था, और C11 को तो थोड़ा सा बहुत कुछ मतलब प्राइस भी थी, प्राइस के हिसाब से तो सारी चीज़ें तो बढ़िया थी, लेकिन 15 की बात करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा अलग था। हालांकि वो भी मैं कह सकता हूं कि ऐसे ही से होगा, लेकिन रियलमी C17 में देखेंगे कि ऐसा लगता है कि जो कुछ उसमें कमी थी वो सारी चीज़ें कमियां इसमें दे रखा है, कि मतलब एक अलग फीचर से निकल के आएगा, एक कमाल का फ़ोन होने वाला है, कुछ ऐसा है मतलब है। अनबॉक्सिंग जाके आप देख सकते हो जो भी बांग्लादेश में होगा, लेकिन इंडिया में जब लॉन्च होगा, शायद जल्द ही लॉन्च होने वाला है, अभी वहाँ पर लॉन्च हो गया तो यहाँ पर इंडिया में भी शायद रेडी होगा फ़ोन, हर किसी के पास आ चुका होगा और वो उसको अनबॉक्स भी करने लगे होंगे, कर चुके होंगे जब तक मेरी वीडियो आप लोग देखेंगे। तो बस ये वीडियो यहीं तक की थी, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक करना, शेयर जरूर करना, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलता रहे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए जय हिंद।